पाएगी। तो लोग ये भी जानना चाहते हैं राधिका कि अभी आने वाले जो चुनाव हैं, जाहिर सी बात है जनता महंगाई से त्रस्त है, जनता ये चाहती है कि उस पर बात हो, बेरोजगारी से त्रस्त है। आप ये देखें कि छोटी छोटी जो हैं वो नौकरियां, छोटी छोटी जो हैं पोस्ट निकलती हैं, और उसके लिए कैसे हजारों छात्र जो हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं उस नौकरी को पाने के लिए। 2 करोड़ नौकरी तो आप छोड़ दें कि लोगों को अपने घर चलाने के लिए भी उनको कारोबार तक नहीं उनके चल पा रहे हैं, हालत ये आ गई है। जो मोदी भक्त भी हैं वो भी ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है हम वोट तो मोदी को देंगे, लेकिन उनको महंगाई जो है वो कम करनी चाहिए, क्योंकि जब पेट में कुछ नहीं होगा तो धर्म की अफीम भी जो है और ये नफरत जो है वो भी नहीं चल पाएगी। लोग ये जानना चाहते हैं कांग्रेस और ये जो 26 दल हैं, क्या वाकई में जो रियल इश्यूज हैं जिन पर हमेशा से चुनाव होता रहा था, क्या उन्हीं मुद्दों पर मोदी गवर्नमेंट को टारगेट करके, बीजेपी को टारगेट करके उन्हीं पर ही चुनाव लड़ने जा रही है जो असल मुद्दे हैं, या फिर जिस तरह के हम बिना फिजूल के जो वाद विवाद, परिवारवाद, इन तमाम चीजों की, आप नेहरू की बात करें वो उनको जाके उनके ऊपर आक्षेप लगाएं, इस तरह की चीजें देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि लोग चाहते हैं रियल इश्यूज पर बात हो, तभी वो सामने देख पाए कि आखिर कौन आने वाले वक्त में उनकी तकदीर बदलने जा रहा है। बुशरा जी, कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से रियल मुद्दों पे बात कर रही है। हम तो प्राइम मिनिस्टर को पहले महंगाई पे बोलते थे, आके बोले वो नहीं बोले। इस बार नो कॉन्फिडेंस मोशन हम लोग लेकर आए कि प्रधानमंत्री शायद मणिपुर पे बोले, शायद बढ़ती महंगाई के ऊपर बोले, लेकिन प्रधानमंत्री, मुझे लगता है ये शायद पहली बार होगा इतिहास में कि कोई प्रधानमंत्री जब नो कॉन्फिडेंस मोशन हो रहा है तब वो एक भी डिबेट अटेंड नहीं करे, सिर्फ आखिरी दिन जब उनको बोलना था तब आ गए, वरना वो नो, आप पुराने नो कॉन्फिडेंस मोशन भी निकाल के देखिए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री सदन में ना पहुंचे हो। प्रधानमंत्री के पास समय है, यूएई जाने का, हर जगह जाने का, साउथ अफ्रीका जाने का, लेकिन अपने देश के ना संसद में आते हैं ना देश की जनता के बीच में जाते हैं। अभी आप देखेंगे कल कल परसों की हेडलाइंस, जब मोदी जी पहुंचे थे साउथ अफ्रीका तो हर जगह ब्रेकिंग चल रहा था कि मोदी जी का विमान साउथ अफ्रीका लैंड किया, पूरा मणिपुर इंतजार करता रह गया, 100 दिन से ज्यादा हो गए कि शायद उनका प्लेन मणिपुर में लैंड करेगा। वहां पे जो मुद्दे हैं, जो जनता की परेशानियां हैं, जो वो वहां पे हालात है उनके ऊपर चर्चा करेंगे, नहीं कर रहे। हम बार बार कहते हैं कि आप बात कर रही है टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं, पहले जब हम बात करते थे प्याज और लहसुन के दाम बढ़ रहे हैं तो हमारी, जब फाइनेंस मिनिस्टर ये कह देगी कि मैं तो खाती नहीं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दाम से, तो फिर क्या करेगा देश। और हम बार बार हम कभी परिवारवाद पर नहीं जाते, हम कभी किसी चीज पर नहीं जाते, पर्सनली अटैक करना, परिवारवाद बार बार बोलना, बार बार हमारे नेताओं को गाली देना, और संसद में भी मोदी जी ये तक भूल जाते हैं कि जब वो बात कर रहे थे कि उन्होंने ये तक बोल दिया था कि पूर्व प्रधानमंत्री रेनकोट पहन के नाते हैं, कभी किसी सोनिया जी के बारे में अपशब्द बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, और सारा इशू जब डाइवर्ट करने के लिए, हमने ये भी देखा स्मृति ईरानी जी ने इस बार क्या किया, हम बात कर रहे हैं कि आप बात करिए बेरोजगारी के ऊपर, आप बात करिए महंगाई के ऊपर, आप बात करिए मणिपुर के ऊपर, तो स्मृति ईरानी जी ने एक फेक नैरेटिव सेट कर दिया और कहा कि भाई मेरे को फ्लाइंग किस दी, वो देख भी नहीं रहे उनकी तरफ, बात कर रहे कि मेरी माइक नहीं चल रही, इतना झूठ, इतना हंगामा किया स्मृति ईरानी ने। उसके बाद एक इंटरव्यू में कहती है कि बताओ जी दिखाओ मैंने कहाँ साइन किया था लेटर पे, उनकी की सांसद आके हेमा मालिनी साहिबा कहती है कि कोई ऐसे फ्लाइंग किस नहीं हुई, और फिर एक सडनली लेटर पे फोर्स कर करके खुद के एमपी को साइन करवाया जाता है। तो ये फेक नैरेटिव हम कभी भी, मैं फिर बोलूंगी, हम बार बार हर बहस लेकर आते हैं महंगाई के ऊपर, डिबेट भी जब होती है पूजा जी, जैसे ही एंकर भी या प्रवक्ता दूसरी लाइन पे जाता है हम बार बार यही बात बोलते हैं, आप जलते मणिपुर पर चर्चा करिए, आप महंगाई के ऊपर चर्चा करिए, आप बेरोजगारी के ऊपर चर्चा करिए। और बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो धर्म के नाम की हकीम परोसी जाती है, या ये जो मुद्दे है, मोदी भक्त भी है वो कहते हैं लेकिन हम फिर भी मोदी जी को वोट देंगे, तो इनको भी अब सोचना पड़ेगा कि आप कह रहे हैं कि हाँ महंगाई कम करनी चाहिए, ये सिर्फ महंगाई हो या बेरोजगारी हो ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है, ऐसा नहीं हुआ है कि जिन लोगों ने मोदी जी को वोट दिया है उन लोगों को टमाटर 40 रुपए किलो मिल रहा है, उन लोगों को पेट्रोल डीजल 50 रुपए लीटर मिल रहा है, ऐसा नहीं हुआ है। ये समझ नहीं रहे हैं क्या, कब तक इसके ऊपर चलते रहेंगे, मोदी 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 करते रहते हैं, मोदी जी इन्हीं को फिर भी महंगा पेट्रोल खरीदवा रहे हैं, फिर भी महंगी दाल सब्जी खरीदवा रहे हैं। तो ये चीज समझने की बहुत जरूरत है इन लोगों को कि आज अगर उन्होंने सही फैसला नहीं लिया तो आने वाले समय में चीजें बद से बदतर हो जाएंगी। अगर एक बार और फिर इनको मौका दे दे तो आप सोचिए अगले 5 साल, अभी 100 रुपए के पार तो पेट्रोल हो चुका है, अगर फिर ये गलती से आ जी गए ये मोदी भक्त,
जो कह रहे कि हम फिर भी वोट देंगे, तो मुझे नहीं लगता 150 रुपए लीटर का पेट्रोल ये डलवा पाएंगे। और कभी कभी मैं सोचती भी हूँ कि ये कब तक, मतलब सच, और ये बेरोजगारी ही है जब ये आके कहते हैं कि आधे से ज्यादा, मेरे को लगता है बेरोजगार ही होंगे क्योंकि उनके पास पूरा समय है ये भक्ति करने के लिए, और फिर भी कह रहे हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता। बुशरा जी, अमीर से अमीर इंसान हो आज की डेट में, उसको फर्क पड़ रहा है बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम पे, बढ़ते सब्जियों के दाम पे, बढ़ती महंगाई पे, कैसे इन लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है ये भी मैं समझना चाह रही हूँ। उनके पास कहाँ से पैसा आ रहा है ये जीवन जीने का? तो ये चीजें बदलने की जरूरत है। हम कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन वही है ना, कभी कभी जो ये हफीम परोसी जा रही है, इनको जो नफरत की हफीम है वो सच के ऊपर, जी प्यार के ऊपर अभी भारी पड़ रही है। लेकिन 14 साल तो देखिए राम जी को भी लगे थे, वो 14 साल का वनवास लेना पड़ा था, और बहुत मेहनत लगी थी। और जब भी आप पुरानी चीजें भी देखेंगे, अगर इनको हम किसी भी धर्म का भी एग्जाम्पल ले लें, हमेशा जब भी अच्छाई की जीत बुराई पे हुई है किसी भी धर्म में, उसमें थोड़ा सा समय लगा है, सत्य भी जीतता हमेशा है, थोड़ा सा वक्त लगता है क्योंकि लोगों को समझने में समय लगता है। और मैं भी ये मानती हूँ कि जब तक आप बुराई को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, आप अच्छी चीज को कैसे महत्व समझेंगे। पर मुझे लगता है 9 साल पर्याप्त रहे हैं देश की जनता के लिए ये समझने के लिए कि जो वादे किए गए, जो नफरत अब फैलाई जा रही है, अब उसको अंत करने का समय आ गया। और अधिकतर जनता अब परेशान आ चुकी है, वो अब थक चुके हैं कि बिल्कुल जब आप उनसे पूछेंगे, कि हमारे भी बच्चे घर में अब थक चुके हैं कि जब रोजगार की बात होती है तो बोला जाता है कि हम ये मंदिर बना रहे हैं, हम ये मस्जिद तोड़ रहे हैं, ये अब समय खत्म हो गया है इन सब चीजों का, नफरत का। बिल्कुल, और इसीलिए ये कहा भी जा रहा है, खुद बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि भाई राम मंदिर के नाम पर आपको वोट नहीं मिलेंगे, आपको काम करना पड़ेगा, जनता के बीच में जाइए, उनकी जी समस्याओं को सुनिए, उनसे बात करिए। खुद आरएसएस के इंटरनल सर्वेज ये बता रहे हैं कि अब इन सब चीजों से दाल नहीं गलने वाली है, आपको रियल इश्यूज पर जो है वो बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास भी देखिए अपने ड्राइंग रूम्स में बैठकर, अपने कंफर्ट में बैठकर भी बात कर रहे हैं कि भाई अब जेब जो है वो कटने लगी है, अब सामान खरीदने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। सोचिए कि जो लोअर मिडिल क्लास तबका है या लोअर तबका है उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी, जब उनके पास, जब वो बाहर जाते हैं और उनके पास जब खाने के लिए, खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। रामेश्वर जो है वो एक एग्जाम्पल थे, ऐसे हजारों लाखों रामेश्वर होंगे जो इसी तरह से अपने घर हो सकता है न जाने कितने दिन बिना पैसे लिए वापस जाते होंगे। तो ये सब भी देख रही है दुनिया, और नया भारत करके जो कहा जाता है वो नया भारत सबको दिख रहा है कि उस नए भारत में क्या कुछ हो रहा है। राधिका, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए, थैंक यू सो मच। और आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। तो जाहिर सी बात है आपने ये सुना कि किस तरह से जो नफरत